मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और आज देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा, मतलब धूप लग रखी है एकदम से मस्त वाली। और अभी सब जगह धूप लगी हुई है, तो अब धीरे धीरे धूप लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देखिए सामने हडोम दिख रहा है हल्का सा, तो कितना मस्त व्यू लग रहा है अभी। तो मैं अभी आपको अपने घर से एकदम एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ चारों ओर। तो अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सब से कहते हैं क्यों। अभी देखिए सामने वाले पेड़ से नाशपाती भी निकाल दिया इन्होंने, तो आजकल कुछ नहीं रखा हुआ पेड़ पे। इससे चूड़ी भी निकल गई उससे भी, और लोगों ने अपने अपने जिनके सेब थे वो भी निकाल दिए हैं। तो फिलहाल आड़ू है जो अभी पेड़ों पर है, और आड़ू का पेड़ हमारे यहाँ एक छोटा सा है नीचे भी, तो बाकी तो है नहीं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो पेड़ है ना मेरे आगे पीछे जितने भी, तो ये वाले पेड़ उस जगह पे होते हैं जहाँ पे ज़मीन कच्ची होती है। और इन पेड़ों की एक खास बात है कि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और मजबूती बहुत होते हैं, चाहे इनको लकड़ी के लिए रखो या कुछ फर्नीचर के लिए, तो सब काम में ये आते हैं। और ये उस जगह पर होते हैं जहाँ या तो पहले कभी टूट रखा होता है या वो ज़मीन बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, तो उस जगह ये होते हैं अक्सर। अक्सर तो देखा जाता है कि ये उसी जगह होते हैं जहाँ ज़्यादा दलदली ज़मीन होती है और वो ज़्यादा खिसकने वाली ज़मीन होती है ना, मतलब टूटने वाली ज़मीन होती है, तो वहाँ ये होते हैं। और मुझे नहीं पता इन पेड़ों का क्या नाम है, और हमारे यहाँ इसको उस्त बोलते हैं। अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर कोई जानता है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो ये वाले पेड़, तो यहाँ पर भी ऐसी ज़मीन है टूटने वाली, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वाले पेड़ों रखे हैं। धूप पड़ रही है और इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने छाता ओढ़ रखा है। और अभी मैं बैठा हूँ जो झरना मैं डेली दिखाता हूँ उसी के नीचे वाले हिस्से की तरफ, और गधेरे की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे सकती है। एक प्यारी सी आवाज़ आ रही है गधेरे की, तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने है वो गधेरा। तो यहाँ पर वो गधेरा और बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही है गधेरे की, मतलब एकदम सुकून मिलता है इस आवाज़ से, ठंडी ठंडी हवा। आज अभी फिर से नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क चले गया था कल रात को, और जियो का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो जब भी लाइट जाती है तो उनका नेटवर्क भी चले जाता है। तो लाइट गई थी कल शाम को, जा रही थी आ रही थी, लेकिन पूरी डाउन थी लाइट, तो तब से नेटवर्क चले गया है कल रात से। तो 10-11 बजे तक तो था, लेकिन उसके बाद चले गया था, और पता नहीं क्या ड्रामा है। अभी देखो धूप लगी हुई है और फिर बारिश हो ही रही है, तो छाता पे देख सकते हो गीले गीले एकदम लगे हुए हैं, जब गीली बूंदें पड़ रही है, तो सीन कुछ ऐसे ही हो रहा है अभी। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, छाता रखूँ ना रखूँ, धूप भी हो रही है बारिश भी हो रही है, कुछ छाता रख ही लेते हैं। और फिलहाल घर जाने का टाइम हो गया, तो घर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं शाम को।
अपने हारमोनियम सीखने का टाइम, थोड़ा हम बीच बीच में रियाज करते रहते हैं, तो इसको सीख रहा हूँ मैं आजकल थोड़ा थोड़ा, तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी सारे गाँव पालानी सा बजाऊंगा। तुम्हारे सारे सुर होते हैं, मतलब मुझे भी इतना ही बताया गया है, तो मुझे इतना ही आता है। अभी मैं थोड़ा गाने की कोशिश करूँ, रघुपति राघव राजा राम बजाने की कोशिश करूँगा। अभी हो गया दिन का टाइम और अभी हम पीएंगे थोड़ा चाय। तो पीछे मेरे पे सरकियारा देख कर लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रखा है, ये मेरा पबजी खेलने के लिए कर रखा है ताकि मैं बैठ सकूँ वहाँ पे एकदम मस्त से 8.5 साले के पबजी खेल सकूँ। तो अभी है चाय का टाइम, तो चाय पीते हैं। बाहर हो रही है बारिश। तो अभी है शाम का टाइम और आज बहुत ठंडा हो गया है, तो मैंने देखा हुड पहन लिया। हल्की सी बारिश अभी भी हो रही है लेकिन मौसम साफ हो गया, तो अभी ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने मोटा हुड भी लगा रखा लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी देखिए आप मौसम कैसे हो रखा है, देखिए मतलब एकदम साफ हो गया है लेकिन हल्की सी एकदम उस जैसी बारिश हो रही है, तो कुछ ऐसा सीन हो रखा है अभी। और हल्की केदारनाथ साइड तो हल्की अभी बारिश हो रही है, यहाँ देखिए अभी तक बारिश हो रही थी तो गीला हो रखा है। और अभी मेरी माँ जा रही थी वहाँ आलू निकालने, तो पानी को रखते हैं। तो मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ा डिप्स डिप्स मारते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल आग अभी हमने जला दी है, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। तो यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अभी आलू आ गए हैं तो आलू की बनेगी सब्जी। तो ये नए आलू, तो इनकी बनेगी यहाँ पे सब्जी। अंधेरा हो गया है, ओके बाय।